हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिसेस को लेकर के एसएससी के द्वारा फाइल की जाने वाली रिट पिटीशंस को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक जनरल सिद्धांत ये है कि हाई कोर्ट सेक्शन 148 की रिट पिटीशंस के लिए जो रीजंस होते हैं उनकी एडिक्वेसी या सफिशिएंसी को चेक नहीं करती और कोर्ट्स इस बात को लेकर के एसएससी के रिट पिटीशंस को रिजेक्ट कर देती हैं कि कोर्ट्स का यह काम नहीं है कि वो रीजंस की एडिक्वेसी या सफिशिएंसी को चेक करें कि वो रीजंस एडिक्वेट हैं या नहीं या वो रीजंस सफिशिएंट हैं या नहीं। लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो रीजंस की रेलिवेंसी को चेक कर सकते हैं कि वो रीजंस सेक्शन 148 के नोटिस को भेजने के लिए रेलिवेंट है भी या नहीं। पीछे कुछ सालों में यह देखा गया है कि यदि कहीं पे भी कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है और उस फ्रॉड के अंदर जो भी उससे कनेक्टेड ट्रांजेक्शन होती हैं सबको सेक्शन 148 के नोटिसेस भेज दिए जाते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए, तो उन नोटिसेस का क्या फेट होना चाहिए। यदि वो एसएससी से रिलेटेड नहीं है या एसएससी का उस स्कैम के अंदर कोई नेक्सस नहीं है, उसका कोई हाथ नहीं है, तो क्या वो सेक्शन 148 के नोटिसेस एसएससी के अगेंस्ट वैलिड है। यही इशू बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक केस करण महेश्वरी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में सामने आया और यह केस 465 आईटीआर पेज नंबर 232 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। असेसिंग ऑफिसर के पास यह इंफॉर्मेशन थी इनसाइट पोर्टल से कि असेसी किसी म्यूचुअल फंड में एज ए डिविडेंड बेनिफिशियरी है और वो ऐसे म्यूचुअल फंड से उसको डिविडेंड आ रहा है जो कि किसी स्कैम के अंदर एंगेज्ड है। दूसरा एलिगेशन ये था कि एसएससी ने कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी जो है वो बुक किया है, लेकिन कहीं पे भी ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि जो एसएससी को नोटिस भेजा गया है वो डिविडेंड के लिए भेजा गया है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए भेजा गया है या दोनों के लिए भेजा गया है। एसएससी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट रिट पिटीशन दायर की। एसएससी का यह कहना था कि जब एसएससी को सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का शो कॉज नोटिस भेजा गया तो एसएससी को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई और बाद में एसएससी को सेक्शन 148 ए क्लॉज डी का ऑर्डर दे दिया गया और सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया गया। जब यह मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुना तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि खाली इस आधार पर कि किसी म्यूचुअल फंड ने कोई स्कैम किया है, कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की है, तो इसके आधार पर एसएससी के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं की जा सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी ऑलरेडी किसी स्कैम का विक्टिम है और अब उसको सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके दोबारे विक्टिमटाइज नहीं किया जा सकता असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने कुछ भी ऐसा इंडिकेट नहीं किया है कि जो जिससे यह पता चले कि असेसी ने जो म्यूचुअल फंड के अंदर स्कैम हुआ है असेसी उसका एक हिस्सा है। कोर्ट ने यह कहा कि असेसी प्रेजेंट केस में एक म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो एकमात्र क्लाइंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि यह एलिगेशन कि एसएससी ने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक किया है प्रेजेंट केस में उसका कोई भी आधार नहीं है असेसिंग ऑफिसर के पास। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है वो पैसा एसएससी ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट के आधार पर लगाया है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एसएससी जो है वो एक किसी स्कैम का पार्ट है। कोर्ट ने फर्दर यह कहा कि यदि एसएससी को कोई डिविडेंड रिसीव होता है
या कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो इसको एसएससी के अंगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता, और खाली एलिगेशन जो भी एलिगेशन एसएससी के अंगेंस्ट की गई हैं जो कि उस म्यूचुअल फंड स्कैम में हुई हैं वो किसी भी तरीके से ये नहीं दर्शाती कि वो उससे एसएससी जो है वो इंप्लीकेट होता है। फर्दर कोर्ट का ये कहना था कि हर कोई मटेरियल या कोई रिमोट मटेरियल और दूर दूर से जिसका एसएससी का कोई संबंध नहीं होता उसके बेसिस पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस नहीं भेजा जा सकता, और वो मटेरियल सफिशिएंट नहीं है एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजने के लिए, जब तक कि रीजंस के बीच में और बिलीफ के बीच में एक क्लोज नेक्सस नहीं होता जब तक सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स वैलिड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है करण महेश्वरी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 465 आईटीआर पेज नंबर 232 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 मार्च 2024 को आया।